अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक किट स्मार्टफोन की। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कि यार मैं किट स्मार्टफोन से जो हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट सीरीज़ में लेके आ चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के किट स्मार्टफोन्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास स्मार्टफोन आता है उसको हम यूज़ करके भी देख लेंगे, और आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम सैमसंग और मोटोरोला के जो दीगर फ़ोन होंगे उनको भी हम थोड़ा सा यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। वो स्मार्टफोन्स इनके अंदर अभी आपको देखने को मिलते हैं एंड्रॉइड नॉगट आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 7.0 या 8.0, तो वो आपको किट के अंदर अभी देखने को मिल जाएंगे वो सारे के सारे स्मार्टफोन्स। तो वो किस तरह की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं ये चीज़ देखेंगे। उसके अलावा वहाँ पे हम कैमरा टेस्ट भी करेंगे, उसके अलावा उसके माइक और उसका जो स्पीकर होता है उसको भी हम लोग टेस्ट हल्का फुल्का कर लेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। हल्की फुल्की गेमिंग भी आपको मैं करके दिखा दिया करूँगा कि यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। तो आज जिस स्मार्टफोन की मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, टर्बो 2, मोटोरोला का टर्बो 2। ये जो स्मार्टफोन है आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर किट के अंदर आपको राउंड अबाउट 10,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। प्राइस हल्की फुल्की फ्लक्चुएट हो सकती है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त ये मार्केट के अंदर जो है राउंड अबाउट 10,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन की भी, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस स्मार्टफोन को इस लिस्ट के अंदर लेके आई है वो है इसका चिपसेट, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। 4 कोर्स A53 की काम कर रही है और 4 कोर्स जो काम कर रही है A57 की काम कर रही है। और उसके अलावा ये जो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है आपको वैसे तो 10,000 के प्राइस टैग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका किट स्मार्टफोन्स के अंदर ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। 3GB की रैम आपको देखने को मिल जाती है, उसके साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और वेरियंट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको 12,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 3GB रैम के साथ आपको मिलेगी 64GB की इंटरनल स्टोरेज। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 21 मेगापिक्सल का आपके पास मेन रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है, और वो आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट कर देता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। 1080p की रिकॉर्डिंग आपको सपोर्ट करेगा वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर 720p की रिकॉर्डिंग है, उसकी बातें तो होती रहेंगी। अब इसके मेन कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो 5 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पर यह भी आपको 1080p की रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर देता है। और यहाँ पर शटर प्रूफ आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर एंड्रॉइड वर्जन की तो नॉगट 7.0 तक आपको यहां पर सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं इस स्मार्टफोन के स्क्रीन साइज की, तो यहां पर 5.4 इंच का आपको स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। अब बाकी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि यहां पर आपके पास 3750 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो यार यहां पर बैटरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है 10,000 के प्राइस टैग के अंदर। और उसके अलावा बाकी बातें हम बाद में करते हैं, सबसे पहले इसको यूज करके देख लेते हैं कि क्या एक्सपीरियंस हमें यह स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने मोटोरोला के टर्बो 2 के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक अदद LED फ्लैश और एक अदद कैमरा देखने को मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर मैं आऊँ तो यहाँ पर भी आपको LED फ्लैश और उसके साथ एक अदद कैमरा और मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बैक साइड के ऊपर यहाँ पर आपको एक अच्छा सा बैक कवर भी देखने को मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर मैं आऊँ तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, उसके साथ यहाँ पर आपके पास पावर बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह नहीं मिलती। बॉटम के ऊपर यहाँ पर आपके पास चार्जिंग स्लॉट है। टॉप साइड के ऊपर यहाँ पर आपका सिम ट्रे और उसके साथ यहाँ पर आपके पास 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिम की तो यहाँ पर सिंगल सिम आप नैनो की यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अब इसको ऑन करके हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा इस स्मार्टफोन को कि हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो यार यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह की हैं आपके पास, ये देख सकते हैं और माइक और स्पीकर की भी आपको इसके अंदर इजीली नॉलेज मिल जाएगी कि यार किस तरह परफॉर्म कर रहा है। और ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए है या नहीं कमेंट। यहाँ पर बोथ साइड के ऊपर आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसका माइक जो है वो अच्छे से काम कर रहा है और मेन कैमरे ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बबल्स वगैरह को भी काफ़ी अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड की है। और कैमरे के अंदर आपको कोई इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, ऑल दो यहाँ पर फ्रंट कैमरे के ऊपर आपको थोड़ा सा इश्यूज़ देखने को मिलेगा लो लाइट्स के अंदर। और यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 10,000 के प्राइस टैग के अंदर देखने को मिलेगा एज एन अ किट स्मार्टफोन। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके चिपसेट की तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 का चिपसेट यूज़ हो रहा है और A53 की 4 कोर्स हैं, A57 की 4 कोर्स हैं। और ये स्मार्टफोन आपको राउंड वर्ल्ड अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन जो है वो आपको नॉगट 7.1 तक अपग्रेडेबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी रैम की तो 3GB रैम आपको देखने को मिल जाती है।
और यह यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो है आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज 3 GB के रैम के साथ देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ मेन कैमरे की तो यहाँ पर आपके पास 12 MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड के ऊपर 5 MP का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो इसका एक और वेरियंट भी आता है जो कि आपको मिल जाता है राउंड अबाउट 12,000 या 11,000 के आसपास 64 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ 3 GB रैम। और यहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह इंस्टॉल हैं, इनको भी ऑन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट जो इसके रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कमाल का है। और मोटोरोला के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनके रिजल्ट जो होता है रेजोल्यूशन का वो काफ़ी कमाल का होता है। तो यहाँ पर गेम अभी अपडेट नहीं है, मैं कोई और गेम देख लेता हूँ। यहाँ पर अगर कोई अपडेटेबल गेम मेरे को देखने को मिल जाती है तो उसको मैं आपको खेल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऑल दो यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर कोई इशूज़ देखने को नहीं मिलेगा, उसके अलावा रेजोल्यूशन के अंदर भी कोई इशू नहीं है। अगर इशूज़ आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर एक ओल्ड आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है। और यहाँ पर एंड्रॉयड के अलावा यहाँ पर लुक भी जो आपको देखने को मिलती है वो भी थोड़ी सी ओल्ड मिलती है। और किट के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। ऑल दो किट के अंदर जो बिजनेस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्मार्टफोन ले रहे हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन उससे 1000 गुना बेटर है, जहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर ये स्मार्टफोन अपग्रेडेबल होता 8.0 या 9.0 तक तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का हो जाता ये स्मार्टफोन, लेकिन यहाँ पर नोगेट 7.0 तक ये अपग्रेडेबल है। ऑल दो ये स्मार्टफोन जो है काफ़ी पुराना है, एंड्रॉयड 5.0 के ज़माने का है, यानी कि लॉलीपॉप का है, लेकिन अपग्रेड आप नोगेट तक करके इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे बताएं कि ये स्मार्टफोन किट मोबाइल के लिहाज से आपके ख्याल से ठीक परफॉर्मेंस देगा या नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको 4K की रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट कर देता है मेन कैमरा के साथ, और उसके साथ 1080p की फ्रंट कैमरे के साथ ये रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर देता है। तो यार आप लोगों ने देखी मोटोरोला टर्बो 2 की वीडियो, तो यहाँ पर आपने देख लिया, इसका कैमरा टेस्ट भी देख लिया, हल्का फुल्का आपको मैंने यूज़ करके भी दिखा दिया। रेजोल्यूशन वाइज ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा, चिपसेट वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है। और यहाँ पर ओल्ड फैशनेड ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको हल्का फुल्का इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ये स्मार्टफोन जो है किट मोबाइल के लिहाज से अगर देखा जाए तो अपने प्राइस टैग को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करता दिखाई देता है। और यहाँ पर आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपके लिए सैमसंग का गैलेक्सी S9, उसके अलावा नोट 8 वगैरह इस तरह की जो कंप्लीट सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या फीडबैक रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और यहां पर आपसे मुलाकात होती है किसी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।